अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह, एमकेएस ज्योतिष का जादू। आज जो प्रयोग देने वाला हूं उससे पहले इस प्रयोग की गरिमा को समझ लीजिए, क्योंकि जब से टेक्नोलॉजी का युग आया है तब से कई चीजों के, कई प्रयोगों के इंटरप्रिटेशन बदल गए। एकदम सही बात है। आज थोड़ा सा, क्योंकि प्रयोग बहुत छोटा सा है, लेकिन जब तक समझेंगे नहीं तो आप उस भाव से करेंगे नहीं। तो किसी भी प्रयोग में वो भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए शुरुआत इस तरह से करते हैं, कुछ इलस्ट्रेशंस मैं आपको देता हूं। पुराने जितने भी सीरियल्स और मूवीज में आपने देखा होगा कि जब राजा निकलते थे तो उससे पहले उसके जो सैनिक थे वो एकदम वो होलो टाइप का आता था ना, बोपू वाला, वो बजाते थे जोर जोर से, देखा है। कई लोग आज भी घर में जब पूजा वगैरह करते हैं शंख बजाते हैं, मंदिर में जाते हैं हम घंटी या जो भी घंट होता है उसे बजाते हैं। तो क्यों ये सारी चीजें की जाती है? क्या राजा निकलता था तब लोगों को, अब कई लोग कहेंगे कि हाँ वो बजाते थे तो लोगों को पता चलता था कि राजा आ रहे हैं, हमें अलर्ट हो जाना है। ये परसेप्शन अभी का, आप भी यही मान रहे होंगे कि ये कर रहे हैं मतलब लोगों को पता चला राजा आ रहे हैं, चलो चलो हाथ जोड़ के खड़े हो जाओ। नहीं, ये नहीं होता था। और एक इलस्ट्रेशन देता हूं, आज की तारीख में भी देखिए जितनी भी ट्राइबल लोकेलिटी है कहीं पे भी, वहां पे मोस्टली अभी भी आपको मिलेगा जो भी आदिवासी इलाके हैं वहां पे उनकी जो भी पूजा विधि विधान होते हैं उसमें वो ऐसे ही कोई होलो प्रकार का इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं। ढोल नगारा पीटते हैं वो अलग बात है, लेकिन होलो का इंस्ट्रूमेंट सबसे पहले बजाते हैं। आज भी होता है, दुनिया के कई क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा। टेक्नोलॉजी में वो लोग इतने अच्छे नहीं है, लेकिन ये जरूर से करते हैं। शंख हम बजाते हैं, कई लोग कहेंगे कि भाई हाँ इससे वातावरण शुद्ध होता है, घर में शांति रहती है, कुछ जम्स मर भी जाते हैं, ये एक अलग चीज है। लेकिन आज एक कंसेप्ट समझिए कि इसके पीछे का ओरिजिनल थॉट क्या था और आज हम किस परसेप्शन पे चल रहे हैं। तो उसके कारण जो फायदा मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है, तो उस प्रयोग को कैसे सुधारा जाए जिससे इसका फायदा मिले। मंदिर में जाके जब हम घंटी बजाते हैं, घंट बजाते हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? क्यों ये सारी चीजें होलो होती है, क्यों ये बंद नहीं होती? तो ये जो कोई भी होलो साउंड आता है जब आप आंतरिक ब्रह्मांड में ओम का उच्चारण करते हैं, तो ये भी एक पूरा होलो सिस्टम है। तो कोई भी होलो चीज में से प्रोड्यूस हुआ साउंड ब्रह्मांड में जाता है। आपका कोई भी एक, आपका मोबाइल नंबर है तो वो नंबर आपका है, जहां पे भी टाइप किया जाएगा तो पता चलेगा कि ये इस इंसान के नाम से रजिस्टर है। आपका बैंक अकाउंट नंबर बैंक में डालेंगे तो पता चलेगा कि ये किसका अकाउंट नंबर है। तो वो नंबर आपकी हर एक जगह पे एक एक पहचान है, ठीक है। इसी तरह से शास्त्रों में लिखा हुआ है कि अगर आप जीवित हैं तो आपके लिए आपका एक पर्सनल एंजल भी होता है। मैं एंजल वर्ड यूज कर रहा हूं क्योंकि कई लोगों को समझ में आएगा। आपके लिए भी एक दैवीय शक्ति होती है, जिस तरह से कहा जाता है कि कण कण में महादेव का वास है। तो आपके लिए भी कुछ ना कुछ अरेंजमेंट करके रखी है कि मुसीबत में आए तो उन्हें बुलाए। वो वॉच करके आपके ऊपर नहीं बैठे कि भाई इनका मुझे ख्याल रखना है। हर किसी का एक पर्सनल दैवीय शक्ति का एक स्रोत होता है, लेकिन उसे आपको बुलाना पड़ता है। उसे बुलाने की जो विधि है वो शास्त्रों में ये कही गई है कि किसी भी होलो चीज से आप उन्हें पुकारिए और वो आपकी एक यूनिक टोन होनी चाहिए। एक सभी लोग एक समान करेंगे नहीं, हर किसी में आप देखिएगा, जब भी ये आदिवासी प्रजा और वगैरह में देखेंगे तो उन लोगों के टोन आपको बिल्कुल अजीब सा लगे, लेकिन थोड़ा सा सर्च कीजिएगा इंटरनेट पे मिल जाएगा। व्यक्तिगत रूप से अगर घूमने फिरने का शौक है तो वो भी देखते हैं, ये हर किसी का वो बजाने का टोन अलग होगा। तो क्यों करते हैं ये?
ये तो बहुत ही बैकवर्ड है, टेक्नोलॉजी का बिल्कुल ज्ञान नहीं है तो भी ये क्यों करते हैं। जब भी वो होलो चीज बताते हैं वो लोग मानते हैं कि जिस भी इष्ट देव की हम पूजा करते हैं वो हम बुला रहे हैं, इनको पता चलेगा वो आएंगे और हमारा काम बन जाएगा। तो आप डेली कल की मास्टर की यही है। अब ये कई लोगों को लगेगा कि यार कथा सुना दी, सीधा प्रयोग बता दो, क्यों डेटा वेस्ट करना। सीधा प्रयोग बता दिया तो टोटके जैसा लगेगा। समझ लिया कि इस प्रकार से ये काम बनता है। वहां पे भी जब आप घंट बजाते हैं अपना पैटर्न कुछ अलग रखिए। मंदिर में जाके जब भी आप घंटी या घंट बजाते हैं तो आपका पैटर्न कुछ अलग रखिए। प्रार्थना करके निकलिए कि भाई इस तरह से मैं ये बजाऊंगा तो समझ लीजिए कि आपका ये भक्त आया है और फिर मेरी पुकार सुन लीजिएगा। इसलिए ये करना चाहिए। घर में शंख बजाते हैं, अब कई लोगों को बजाना नहीं आता और जिनको आता है वो अपना एक यूनिक टोन रखते हैं। अच्छे से जिनको बजाते हैं आता है वो शंख में भी अपना एक यूनिक टोन रखते हैं। कुछ भी नहीं आता तो आप बांसुरी बजा सकते हैं। अगर बजानी आती हो, अरे यार क्या मास्टर की दे रहे हो कुछ पता ही नहीं चलता, चलो वो भी नहीं आता, सीटी तो बजा सकते हो। कई लोग इस तरह से बजाते हैं, कई लोग इस तरह से बजाते हैं। ये मंदिर में जाके सीटी मत बजाइएगा वरना पीटोगे। ये क्या कर रहा है? ये प्रयोग आपको घर में ही करना है। जो भी आप स्नान करके पूजा विधान करते हो उसके बाद, घर में इष्ट देव है, महिलाएं पीरियड्स में है तो पूजा विधान नहीं करती, स्नान करने के बाद एक बार कोई भी एक यूनिक सा होलो साउंड होना चाहिए। कुछ नहीं होता तो सीटी से भी काम चल जाएगा। आप डिसाइड कर लीजिए कि पैटर्न क्या रखेंगे, ठीक है, और बस वही चीज आपको बजानी है डेली स्नान करने के बाद। और आपको दिख तो नहीं रहे हैं लेकिन आपका जो भी वो इष्ट मतलब दैवीय शक्ति है आपके लिए, ये ब्रह्मा ने निर्धारित की है, उसे मन ही मन प्रार्थना करनी है भाई मेरे साथ रहिए और मेरे जीवन में ये प्रॉब्लम्स हैं उससे मुझे निकाल दीजिए। 2-5 मिनट लगेंगे, पहले 2-3 ऑड नंबर में बजाइए, मतलब 1 बार 3 बार 5 बार 7 बार इस तरह से जो भी धुन आप सेट करते हैं। कुछ ना हो तो सिटी में, अब वो भी नहीं आता तो फिर प्रॉब्लम होगा, तो कोई होलो इंस्ट्रूमेंट आप देख लीजिए और बजाना सीख लीजिए। अब कल के दिन में मास्टर की के स्वरूप में करना चाहे एक दिन का प्रयोग है, नियमित रूप से करना चाहे ये करना शुरू कर दीजिए। 24 घंटों में आपका परसेप्शन आ जाए, आपको मिल जाए वो दैवीय शक्ति की मदद, जरूरी नहीं है, लेकिन जब मिलना शुरू होगा अपने इस एस्ट्रो दोस्त को याद रखोगे कि क्या ढूंढ के लाए थे। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि सिद्धांत प्राचीनतम ज्योतिष के ही है, इनोवेशन आपके इस एस्ट्रो दोस्त का है। तो इस प्रकार से कोई भी एक होलो ट्यून बजाइए, कुछ ना हो तो लास्ट में सीटी भी बजाइए और दिल से पुकारिए। कल के पहले दिन अगर रेगुलरली जाने वाले हो तो पहले दिन तो यही कीजिए कि भाई ये मेरा लिंक है आपसे जुड़ने का, रोज मैं ये बजाऊंगा तो आपको समझ जाना है कि मैं पुकार रहा हूं, आ जाइए और मेरी पुकार सुनिए। कनेक्टिविटी लंबे समय से हुई नहीं है तो कनेक्टिविटी होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन जब ये कनेक्टिविटी हो जाएगी तो दैवीय शक्ति का आशीर्वाद क्या होता है उसका प्रभाव भी मिलेगा। बस सिर्फ उन्हें पूरे दिल से कह दीजिए कि भाई हमारे लिए आप है, अब ये कर लीजिए, यहाँ पे मैं गिरा हुआ हूँ या गिरी हुई, मुझे इससे निकाल दीजिए, ठीक है। तो ये होगी कल की मास्टर की। अब सुवर्ण अक्षर, एक छोटा सा प्लेन पेपर लेना है, स्क्वायर चौकोर, और उसके ऊपर जो अक्षर हम बताएंगे वो आपको हिंदी में लाल पेन से लिखना है। 24 घंटों के लिए उस पर्ची को अपने पास रखिए। दूसरे दिन जब नया सुवर्ण अक्षर आप लिखेंगे तो पुरानी वाली पर्ची को बीच में से 2 भाग में फाड़ दीजिए, घर के बाहर किसी भी पेड़ या पौधे के नीचे रख दीजिए। पेड़ पौधा नहीं है तो कहीं पे साइड पे रखिएगा, किसी का पैर वगैरह ना पड़े। कागज को डस्टबिन में मत डालिए और जलाइएगा मत। सब कुछ पॉसिबल नहीं है तो लास्ट ऑप्शन में अपने उल्टे हाथ की हथेली के सेंटर में लिखिए। राइटी है तो लेफ्ट हैंड की हथेली के सेंटर में, लेफ्टी है तो राइट हैंड की हथेली के सेंटर में। अक्षर भी एक विज्ञान होता है, मास्टर की और सुवर्ण अक्षर इकट्ठे ज्यादा प्रभावी होते हैं, दोनों को कीजिए। कल का सुवर्ण अक्षर जो आप लिखेंगे वो है कमल वाला क, कख गख कहते हैं उसमें पहला लेटर क, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ है। अब ब्लास्टिंग बर्थडे और एनिवर्सरी, किसी भी साल में अगर 1 मार्च आपका जन्मदिन है या फिर आपकी मैरिज एनिवर्सरी, प्रयोग एक पॉजिटिविटी पूरे साल के लिए। बर्थडे है तो खुद करना है, मैरिज एनिवर्सरी है दोनों करें तो ज्यादा अच्छा है। ये जो अभी मास्टर की में इतना लंबा लेक्चर सुनाया
अब देख लीजिए आप किस होलो इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर सकते हैं, सीख लीजिए और इसे एक साल के लिए अपने जीवन का हिस्सा बना लीजिए। क्या जाता है, एक रुपये का खर्च नहीं है। करके तो देखिए, हमारे प्राचीनतम सिद्धांतों में ताकत क्या थी, नियमित रूप से करके देखिए। अगली बर्थडे एनिवर्सरी पे आप क्या लिखने वाले हैं, एमकेएस से किस प्रकार से आपके लिए ज्योतिष का जादू बन गया, ये सुनने के लिए और पढ़ने के लिए हम उत्सुक हैं। जो नियमित रूप से कहे, ऐसा नहीं है कि एक मार्च वाला ही कर सकते हैं, कोई भी कर सकता। मास्टर की के स्वरूप में 24 घंटों का एक प्रयोग है, लेकिन करने योग्य तो डेफिनेटली है। कनेक्टिविटी जोड़ने में थोड़े से दिन लगेंगे, तो पेशेंस रखना पड़ेगा, लेकिन हो जाएगी कनेक्टिविटी। फिर पता चलेगा कि मैजिक क्या होता है, क्यों ये सेगमेंट ज्योतिष का जादू कहलाता है। रुपेन आर शाह नाम के इस YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए और उसके बाद तीन ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। और हमसे अगर लाइफ के किसी प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशन चाहते हैं, स्वागत है आपका। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स डिटेल्स के साथ व्हाट्सएप नंबर 9714443110 9714443110 उसके ऊपर लिख दीजिए। अक्षय जी आपको वहां पे मिलेंगे, प्रोसीजर वहां पे समझा दिया जाएगा। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।